अजमेर में गुरुवार को मुस्लिम समुदाय के द्वारा ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया गया। सभी ईदगाह सहित विभिन्न मस्जिदों में ईद उल अजहा की विशेष नमाज अदा की गई और दुआ मांगी गई। नमाज के बाद घरों में कुर्बानी की रस्म अदा की गई। शांति व सद्भाव पूर्ण तरीके से नमाज होने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। नगर निगम की ओर से साफ सफाई व्यवस्था की गई। केसरगंज स्थित दरगाह में शाही काजी मौलाना तौसीफ अहमद सिद्दीकी की इबारत में नमाज अदा की गई। वाजा साहब की दरगाह में स्थित शाहजानी मस्जिद और संदल खाना मस्जिद में भी नमाज अदा की गई। नौसर और राती डांग ईदगाह में भी मस्जिद अदा की गई। केसरगंज स्थित दरगाह में नमाज के दौरान जिला कलेक्टर भारती दीक्षित, SP चुनाराम जाट, RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों के साथ कांग्रेसी भी मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। दरगाह दीवान के पुत्र सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि सभी देशवासियों को ईद की बहुत शुभकामनाएं, सभी मिलजुल कर एकजुटता के साथ त्योहार मनाएं और हमारे मुल्क के मोहब्बत का पैगाम दुनिया तक पहुंचाएं। तमाम देशवासियों को, शहरवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सबके लिए एक संदेश यही है कि इसी तरीके से मिलजुल के अपने त्योहारों को मनाएं। हमारे मुल्क की जो मोहब्बत का पैगाम है पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से मिलजुल के हज़ारों सालों से यहाँ रहते आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ता कयामत तक मिलजुल के रहेंगे। जो अमन के दुश्मन उनको जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं सब लोग मोहब्बत का पैगाम देने के लिए यहाँ हाजिर हैं। हर मज़हब के लोग हैं, एक दूसरे के त्यौहारों में खुशियाँ मना रहे हैं। यही तरीका दिवाली पर नज़र आना चाहिए, यही तरीका दशहरे पर नज़र आना चाहिए। तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी भाई बहनों को ईद की दिली मुबारकबाद। आज कुर्बानी का त्यौहार है और हम सब देशवासी प्रदेशवासी मिलजुल के रहें, मोहब्बत से रहें, प्रेम से रहें, सद्भाव से रहें। ये त्यौहार हमें ये शिक्षा देता है। और चूँकि कुर्बानी का त्यौहार है, हमारे देश ने जो आज आज़ादी है ये कुर्बानी की बदौलत ही है। आज हम लोकतंत्र में खुली सांसें ले रहे हैं ये कुर्बानी की बदौलत ही है। तो आज हम संकल्प लेते हैं इस ईद के त्यौहार पर कि हमें सबको मिलके रहना है, देश को आगे बढ़ाना है, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाना है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो इस बार फैसले किए हैं वो सभी धर्मों को साथ लेके, सब जातियों को साथ लेके और प्रदेश का नाम रोशन हो पूरी दुनिया में, ऐसे उन्होंने फैसले किए हैं। तो ऐसे मुबारक मौके पुनः आप सबको ईद की दिली मुबारक। आज ईद के मुबारक अवसर पर हम सभी अजमेर वासियों को ईद की शुभकामनाएँ देते हैं और हम ये आशा करते हैं, दुआ करते हैं कि आपसी सौहार्द और भाईचारा बना रहे। पूरी व्यवस्थाओं के साथ यहाँ ईद की नमाज़ पढ़ी गई और आगे भी हम पूरे पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी हुई ये दुआ करेंगे कि आगे कभी भी कोई हमारी जितने भी ईद के अपने मुस्लिम समुदाय के, हिंदू समुदाय के जितने भी पर्व होते हैं सब में आपसी सौहार्द और भाईचारा बना रहे और ऐसे ही आगे भी हम त्यौहारों को मनाते रहें। ईद के इस पावन पर्व पर मैं सभी अजमेर वासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईद की मुबारकबाद देता हूं। और मैं समस्त अजमेर वासियों से अपील करता हूं कि जिस सौहार्द के साथ में आज ये त्यौहार मनाया जा रहा है, आगामी सारे त्यौहार और हमारे जो जुलूस है वो इसी सौहार्द के साथ में मनाए जाएंगे। जो ईद का त्यौहार आया है इसमें भाईचारे और एकता का सभी का जोड़ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आज सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने हमारे मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी है और देश के सौहार्द के लिए, देश की एकता के लिए, पवित्रता के लिए त्यौहार हर त्यौहार मनाना ज़रूरी है, जिसमें एक ईद का त्यौहार भी आता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मेरे भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, बहनों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।